प्राचीन शिव मंदिर की 45 वर्ष से सेवा कर रहे गरीब ब्राह्मण परिवार मूलभूत सुविधाओं से आज भी हैं वंचित। गरीब ब्राह्मण परिवार 1000 वर्ष पुराना शिव मंदिर में देख रेख पूजा पाठ का करते हैं कार्य। ब्राह्मण बुजुर्ग पुजारियों को पेंशन, राशन, उज्ज्वला, बिजली, आवास, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभी तक नहीं मिला है कोई लाभ। सिकंदरा तहसील जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते बुजुर्ग परिवार को खुले आसमान सर्द रातों में रहने को है मजबूर। बुजुर्ग पुजारी की आंखों की रोशनी कमजोर होने से बेबस और भुखमरी के कगार से हालत है बेहाल। तहसील सिकंदरा क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिर उमरपुर गांव के पास का मामला। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए संवाददाता जंग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट। पुजारी जी, क्या है आपका नाम? हमारा पूरन के नाम है साहब। किस गांव के रहने वाले हैं आप? हम उमरपुर रहने वाले हैं, जन्मभूमि हमारी अमौली कुरनियार रद्धान के पास है। यहाँ हमारी ससुराल आती तो हमें 45 साल से देवी मैया की सेवा हम यहाँ कर रहे निस्वार्थ में। किस नाम से धार्मिक स्थल है ये? ये कालका देवी मंदिर है। किस जगह पे स्थित है ये? ये उमरपुर मौजा में है। कितने वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं? 45 साल से बराबर यहीं सेवा कर रहे हैं। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या साहब ये है कि जब से हमारी 85 वर्ष की तो उम्र हो गई और आज तक हमें कोई सरकारी लाभ आज तक हमें कोई सरकार ने नहीं दी, न किसी प्रधान ने हमारी सुनी, न राशन कार्ड हमारे पास, न हमारे पास आवास ग्रह है कोई। ऐसे झोपड़ियों में और ऐसे मैदान में पड़े हैं। ये दशा आज तक किसी भी ने हमारी सुनाई नहीं की है? हम अपनी एक फरियाद हमने उनके जोगी राज के यहाँ भेजी, वो हमारी कोई सुनाई नहीं। आज तक कहीं जितने कर्म हमने करे आज तक कोई सरकार ने कोई शिकायत या कोई हमारी बात नहीं सुनी। कितनी उम्र है आपकी? हमारे 85 साल है, अब 86 लग गई। राशन लेने जाते हैं? राशन लेने जाते कहते तुम्हारा अंगूठा ही नहीं लगता है, क्यों तुम्हें हमारे यहाँ परेशान हो, तुम्हारा राशन नहीं मिलेगा, भाग जाओ। ये होता था। शौचालय पेंशन वगैरह आपको सरकारी योजना मिली? शौचालय है न पेंशन है, कोई चीज हमें उपलब्ध नहीं है। अम्मा, क्या है आपका नाम? कलावती मिश्रा। कहाँ के रहने वाली हो आप? उमरपुर है। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि ना तो हमारे पास कोई शौचालय है, ना कहीं रहने के लिए जगह है, ना राशन कार्ड लेन जाओ तो तुम्हारे अंगूठे नहीं लगा थे, तुमको नहीं मिलेगा, इसके बुरी तरह भगा दे थे। किसी प्रकार का सरकारी आवास आपको मिला है? कुछ नहीं है साहब, कोई सरकारी हमारे पास है ही नहीं है, मिलते ही नहीं है कुछ। इस मंदिर की कब से सेवा कर रही हैं? 45 साल से रही हूँ, संग ही रह रही। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 70 साल है। अभी तक कहीं आपने कोई शिकायत की ग्राम प्रधान की? ग्राम प्रधान वही मेरा कोई शिकायत हमने इसलिए करी माने की मोदी को नाम योगी खीन करी तो उन्होंने सुनाई नहीं गई। आप क्या चाहती हैं? अब लला जो को हम चाहती हैं हमें शौचालय मिल जाए, कुछ थोड़ी बहुत इतनी जगह मिल जाए कि बरसा बूंदी में बैठते हुए जाए। कैसा जीवन यापन चलता आपका? ऐसे ही चल रहा वो लला की जैसे बन जाते। पेंशन मिलती आपको? नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, ना पेंशन है ना कुछ हुआ है।